ये कहानी है एक देश की। एक देश में एक राजा रहते थे। उस राजा के 6 रानियां थे। वो 6 रानी स्वभाव में बहुत ही अच्छे थे। एक दिन 6 रानी सरोवर में नहा रहे थे तो पहली रानी ने बोला, देखो देखो मेरे घर उस पहाड़ के पीछे दिख रहा है। तभी दूसरी रानी ने बोला, हाँ हाँ देखो मेरे घर उस पेड़ के पीछे दिख रहा है। तीसरी रानी ने बोला, हाँ हाँ वो देखो उस बड़ा सा महल, वो हमारा घर है। इसे 5 रानियों ने उनके घर कहाँ कहाँ पर है बोल दिया। जब सबसे छोटी रानी की बारी आई तब उनको पूछा गया, तुम्हारा घर कहाँ पे है? तभी छोटी रानी उदासी हो गई और बोली, मुझे नहीं पता, जब मैं छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई थी, तभी से हमारे यहाँ कोई नहीं आया है, तो इसलिए मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ पर है और कैसा दिखता है। ऐसे 6 रानियां बात कर रही थी। उसी सरोवर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ में एक लकड़हारा बैठा था। लकड़हारा बैठकर रानियों की बात सुन रहा था। ये बात सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोला, कुछ करने का वक्त आ गया है। भी अगले दिन लकड़हारा ने सज धज कर राजमहल पहुंच गया। और बोला, सैनिक तुम मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने बोला, तुम हो कर तुम्हें क्यों अंदर जाने दो। अभी लकड़हारा ने बोला, मूर्ख मुझे नहीं पहचानते, मैं सबसे छोटी रानी की भाई हूँ, उनको लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर सैनिक अंदर भाग गया और राजा को बोला, राजा जी छोटी रानी के भाई आए हैं। तभी राजा ने बोला, ठीक है उनको अंदर आने दो। ये सुनकर सैनिक ने जाकर ये बात लकड़हारा को बोला कि आप अंदर आइए। तभी राजा ने जाकर छोटी रानी को बोला, छोटी रानी तुम्हारे भाई आए हैं। तभी ये सुनकर छोटी रानी दौड़ी चली आई उनके भाई से मिलने। बहुत दिन हो गए थे, उसने अपने भाई को नहीं देखा था। जब वो लकड़हारा को देखा तो छोटी रानी को ये पता नहीं था कि वो लकड़हारा है, तो उसने खुशी के मारे जाके उसको गले लगा लिया और बोला, भाई इतने दिन कहाँ थे तुम, ये मेरी खुशी के आंसू है, मैं तुमको कितने कितने दिनों से ढूंढ रही थी, कहाँ थे तुम, क्यों नहीं आए थे। ये सुनकर लकड़हारा ने बोला, देखो छोटी रोना मत, बहुत दिक्कत थी हमारे राज्य में, इसलिए नहीं आ पाए। पापा मामा तुमको बहुत मिस करते थे, इसलिए तो मैं आ जाई हूँ तुम्हें लेने के लिए। ये बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हो गई। छोटी रानी के घर जाने की खुशी में 5 रानी ने बहुत सारे मिठाइयाँ और गिफ्ट बनाने लगे। छोटी रानी अपने भाई लकड़हारा के साथ जब जा रही थी, एक कौवा ने बोला, देखो देखो एक रानी होकर एक लकड़हारा के साथ जा रही है। ये सुनकर छोटी रानी ने बोला, भैया ये क्या बोल रही है। तभी लकड़हारा ने बोला, तुम क्या सुन रहे हो वो कौवा के पास, तुम चलो कोई बात सुनने की जरूरत नहीं।
फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर से वही कौवा बोला, ची ची, देखो देखो, रानी होकर नखधारा के साथ जा रही है। ये सुनकर दोबारा फिर से वो बोली, रानी देखो ना भैया, आपको वो लकड़हारा बोल रहा है। तभी लकड़हारा को बहुत गुस्सा आया और बोला, तुम उसके बात क्यों सुन रहे हो? ठीक है, तुम उसे एक मिठाई दे दो, वो चला जाएगा। छोटी रानी ने एक छोटी सी मिठाई उसको फेंक दी और वो कौवा ने वो मिठाई लेकर उड़ गया। कुछ दूर जाने के बाद लकड़हारा का घर आ गया। तभी लकड़हारा बोला, चलो घर चलते हैं। तभी छोटी रानी ने बोला, भैया हमारा महल कहाँ है? तभी लकड़हारा हंसते हुए बोला, महल? कौन सा महल? तभी छोटी रानी ने बोला, हमारे महल, हमारा घर तो झोपड़ी है। तभी लकड़हारा हंसते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हारा कोई भैया भैया नहीं है भाई, हम एक लकड़हारा है। हम तो तुम्हें ठग के लाए हैं शादी करने के लिए। ये बात सुनकर जैसे रानी के दिमाग घूम गई, वो बोले, भैया मजाक ही कर रहे हो ना? तभी लकड़हारा ने बोला, चुपचाप अंदर चल वरना। छोटी रानी तड़के मारे अंदर चली गई। लकड़हारा की एक बूढ़ी माँ थी जो अंधी थी। तभी लकड़हारा की बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा कहाँ गई थे तुम और इसको साथ में लेके आई हो? बेटा ये कौन है, क्यों लेके आई हो? ये बात सुनकर लकड़हारा को बहुत गुस्सा आया और बोला, चुप कर बुढ़िया, कुछ तो दिखाई दे ही देता है, फिर बक बक करती रहती, चुप वहाँ बैठ के रहे। ये बोलकर लकड़हारा छोटी रानी को घर में बिठा कर कहीं काम पर चला गया। तभी वो बूढ़ी औरत ने जाकर छोटी रानी को बोला, बेटी कौन हो, यहाँ क्यों आई हो इसके साथ? तभी छोटी रानी ने बोला, बूढ़ी माँ मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई थी, मुझे नहीं पता मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे घर कहाँ है। ये आदमी आकर हमारे राजमहल में बोलता है कि ये हमारा भाई है, मुझे लेने आई है, तो मुझे नहीं बताता कि ये लकड़हारा है। ये बोलकर छोटी रानी रोने लगी। ये सुनकर बूढ़ी माँ ने बोला, ठीक है बच्चा, मैं क्या कहूँ, तुम भाग जाओ बच्ची वरना यहाँ मर जाओगी। ये सुनकर छोटी रानी ने बोला, कैसे भागो बूढ़ी माँ, कैसे, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कैसे जाऊँ। तभी बूढ़ी माँ बोलती, मैं एक काम करूँ बच्ची, वहाँ एक टोकरी में कुछ मिट्टी रखी होगी, वहाँ मिट्टी लाओ और उस दरवाजे के पीछे एक मिट्टी के मूर्ति बना लो, और तुम जो अच्छी सी साड़ी पहन के आई हो वो साड़ी को उस मूर्ति से पहना दो, और वहाँ पे जो एक फटी हुई साड़ी देखी है वो तुम पहन लो, और कुछ ये काला वगैरह मुँह में लगा के
वो टोकरी पकड़ के यहाँ से चले जाओ बेटी, चले जाओ। और एक बात, जाने के समय मुझे रस्सी से बांध लेना। ये सुनकर छोटी रानी ने बोला, नहीं बूढ़ी माँ, आपको कैसे बांध सकती हूँ मैं, ये नहीं कर सकती। तभी बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा, तुमको ये करना होगा, जल्दी बनना बोरा आ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तभी छोटी रानी ने सब काम किया जो बूढ़ी माँ ने बोला। एक टोकरी लेके चली गई। रास्ते में जब छोटी रानी जा रही थी, तभी लकड़हारा वहां से आ रहा था। छोटी रानी लकड़हारा को देखकर डर के मारे पसीना पसीना हो गए। उसको लगा शायद लकड़हारा उसे पहचान लेगी, पर लकड़हारा उसे नहीं पहचाना और घर चले आया। जब घर आकर लकड़हारा ने चिल्ला कर बोला, ए लड़की, मुझे एक ग्लास पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो जो मिट्टी का पुतला था, उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर से लकड़हारा को गुस्सा आया। दो तीन बार पानी मांगने से जब वहां से कुछ भी जवाब नहीं आया, तो वो गुस्सा होकर एक लात मारा उस मिट्टी के पुतले को। जब उसने लात मारा, उसके पैर वो मिट्टी के पुतले के अंदर फंस गया। ये देखकर लकड़हारा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने चिल्ला कर बोला, माँ माँ, वो लड़की कहाँ गई? तभी वो बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अंधी हूँ, वो लड़की मुझे बांध कर कहीं चली गई। ये बोलकर बूढ़ी माँ चुप हो गई। ये सुनकर लकड़हारा को दिमाग घूम गया और बोला, जाएगी तो कहाँ जाएगी, फिर मैं कल जा रही हूँ वहाँ राजमहल तुम्हें लाने के लिए। ये सोचकर लकड़हारा ने फिर से सज धज के निकल पड़ा राजमहल। उसे नहीं पता था कि छोटी रानी राजमहल पहुंचकर सारी बात रानियों राजा को बता दी है। तभी जब लकड़हारा राजमहल में पहुंचता है और बोलता है, छोटी तुम इसे गुस्से में क्यों चले आए, मैंने क्या बोल दिया और तुम इसे गुस्से में चले, इसे थोड़ी ना करते हैं बच्चा। ये सुनकर सभी रानी और राजा आग बबूले हो गए। उस लकड़हारा को एक पेड़ में बांध कर इतने मार लगे कि वो लकड़हारा वहीं पे मर गया। और छह रानी और राजा खुशी में उनके राज्य में रहने लगे।